भाई एक बार क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार यहाँ पे। इसमें तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करना है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड और नाइन्थ क्वेश्चन, समझिए कि नहीं, फर्स्ट थर्ड और नाइन्थ क्वेश्चन ट्राई करने हैं। या नाइन्थ मत करो अभी, नाइन्थ की जगह इलेवेंथ कर लो। कौन सा क्वेश्चन करना है? फर्स्ट थर्ड एंड इलेवेंथ। क्या क्वेश्चन क्लियर है? ठीक करो ट्राई, ये फर्स्ट थर्ड और इलेवेंथ।
हाँ ट्राई कर लिया पहले ये 3 क्वेश्चन, फर्स्ट थर्ड और 11th। यस सर, फर्स्ट तो कर लिया। फर्स्ट कर लिया यस सर, ये गर्व गर्व नहीं, ये किस किसान का ट्राई कर लिया है? चित्राक्ष, निष्ठा, अतुल्य, चलो देखेंगे बार आंसर। दिव्यंत रेनी के ट्राई, दिव्यंत, वो लेट ज्वाइन किया चलो अब देख आंसर देखने के बाद। जो पहला क्वेश्चन है मैं हिंट दूंगा, सिर्फ ट्राई करना खुद उसको दोबारा दोबारा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, O2 अंडरगोज फोटोकेमिकल डिस्फ्यूजन इनटू वन नॉर्मल ऑक्सीजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर एनर्जेटिक देन नॉर्मल। द डिस्फ्यूजन ऑफ O2 इनटू टू नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्स इतना एनर्जी। O2 अगर दो नॉर्मल ऑक्सीजन में टूटता है तो एनर्जी चाहिए 498 किलो जूल पर मोल में। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ इफेक्टिव फॉर फोटोकेमिकल डिस्फ्यूजन, यानी मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी क्या होगी फॉर फोटोकेमिकल डिस्फ्यूजन। क्या क्वेश्चन क्लियर है? देखो जरा इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं तुम्हें। देखो ये O2 है, ये अगर दो नॉर्मल ऑक्सीजन एटम में टूटता है तो एनर्जी चाहिए 498 किलो जूल पर मोल में। यही है ना, पर चेक कर लेना, किलो जूल पर मोल में है तो ×10³ जूल में आ गया, पर मोल में है। और एक मॉलिक्यूल के लिए बाय, ये नॉर्मल लिखा मैंने, एक मॉलिक्यूल के लिए तो बाय एन नॉट कर देंगे। ये इतनी एनर्जी चाहिए एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, है ना, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। और हमें O2 को तोड़ना है एक नॉर्मल के अंदर और एक एक्साइटेड फॉर्म में, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए ना वो इससे 1.976 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, प्लस 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे ज्यादा है, इतनी ×1.6 ×10⁻¹⁹, ये जूल में आ गया कि नहीं? ये इतनी एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी इतनी चाहिए अगर फोटोकेमिकल डिस्फ्यूजन करना है। तो इस टोटल एनर्जी को HClmda, ई जुड़ा एचमी होता है ना, डेल्टा ई जुड़ा एचमी होता है, HClmda की इक्वल कर दो, निकल जाएगा इससे आंसर। नहीं निकल जाएगा यस इससे सर, आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ट्राई कर लेना, हिंट दिया सिर्फ ये। ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे तो मेरे को बाद में पूछ लेना, अदरवाइज ये ट्राई हो जाना चाहिए इससे। निशा शो करो जल्दी से, सर उसका आंसर 1720 एमस्ट्रॉन्ग। 71720, यस सर, 1740 है, 0.52, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है। ठीक है सर, नेक्स्ट अब है ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए हो गया। फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर, हाँ 300 नैनोमीटर इज अब्सॉर्ब बाय ए गैस। एक फोटोन कोई गैस अब्सॉर्ब कर रही है, कोई गैस है, उसने फोटोन को अब्सॉर्ब किया, ये फोटोन को इसने अब्सॉर्ब किया, 300 नैनोमीटर का फोटोन इसने अब्सॉर्ब किया है और रीएमिट कर रहा है दो फोटोन, एक फोटोन दो फोटोन, फोटोन वन फोटोन टू, ये अब्सॉर्ब कर लिया इसने। और इसके बाद वन रीएमिटेड फोटोन हैज ए वेवलेंथ ऑफ 496 नैनोमीटर, एक की वेवलेंथ है λ1 496 नैनोमीटर। तो बोला एनर्जी ऑफ द अदर फोटोन, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी? तो तुम्हें पता है कि ये एक एनर्जी दो एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन, सही ना, प्लस एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन। ये आएगा ईपी, क्या होगा, 300 नैनोमीटर था ये होगा HClmda 1, HClmda, ये HClmda 1 प्लस HClmda 2, HC सब कैंसिल हो जाएंगे तो बस अब डायरेक्ट आ जाएगा इससे 1/λ इज टू 1/λ1 प्लस 1/λ2, 1/300 इज इक्वल टू 1/λ1, λ1 का 496 है ना, λ1 है 496, 496 लिख देंगे इसको, और प्लस 1/λ2, λ2 आ जाएगा। तो λ2 आने के बाद ई निकाल लेना HClmda 2,
है ना, ई निकाल लेना एच सी वाई लैम्डा टू, क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको क्लियर है ये? सर। चलो अब एक बार क्वेश्चन नंबर जो वो उसको ढंग से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? 11th। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे जल्दी से। हाँ कर लिए ट्राई?
सर देखेंगे आंसर इसका। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, आईआईटी ने पूछा हुआ एक बार। ए सीरीज ऑफ लाइंस, 10th 11th का ये पार्ट, सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लाइज एट वेवलेंथ दिस दिस, ये चार वेवलेंथ रखी है, सही ना? ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, ये चारों वेवलेंथ कहाँ पे लाई कर रही हैं? ये चारों वेवलेंथ कहाँ लाई कर रही हैं? विजिबल रीजन में है कि नहीं? 380 से 760 नैनोमीटर होता है, पता ना ये? तो यस सर ये उसमें लाई कर रही है, इसका मतलब जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो N1H2 पे आ रहा है, N1H2 पे आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो वो आ रहा है 2 पे। क्लियर है कि नहीं? ये न्यूक्लियस, ये सेकंड शेल, ये सेकंड शेल, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो इसे बोला नेक्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, यही ना क्वेश्चन? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ नेक्स्ट लाइन इन द सीरीज? इसका मतलब पहले तुम म्यू बार का फॉर्मूला लगाओगे, R Z² तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/N1 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1/लास्ट शेल निकालते हैं, 1/N2 का स्क्वायर। लास्ट जो सबसे ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन सा होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी? सबसे कम वेवलेंथ है 410.29, सबसे कम वेवलेंथ क्या? 410.29, इसलिए 1/410.29 × 10⁻⁹ नैनोमीटर में 7 लिख देना, सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर में कर दिया है। आर की वैल्यू भी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 1/N1 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यहां से N2 निकल जाएगा, यहां से N2 की वैल्यू निकाल लोगे 6 आ जाएगी, N2 की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन का निकालना है, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, यहां से लैम्डा निकाल लेना। यही किया चित्राक्ष? यस सर, लैम्डा तो 98 398 नैनोमीटर आ रहा है, नाइनटी लैम्डा कितना है? 390 98 नैनोमीटर। चलो हाँ सही, 398। चलो ये ध्यान ध्यान भी रखना, ये ध्यान भी रखना, सही ना, कि इसके आसपास आ रहा है, तो ये लास्ट लैम्डा होगा जब वो विजिबल लाइट तुम्हें दिखेगी हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो इसको कर लेना जरूर। अब इसी का बी पार्ट करेंगे जल्दी से, इसी का बी पार्ट। सर हो गया,
ये क्वेश्चन कर लिया है। यस सर। ये किसकी तरह से मिलर है? देखो ये सेम क्वेश्चन किसकी तरह है, अभी क्या ऊपर थर्ड क्वेश्चन। बोला एक फोटोन है 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का उसकी वेवलेंथ है, कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, आफ्टर कोलिजन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ बढ़ गई यानी एनर्जी कम हो गई है, इसने कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या आंसर आएगा इसका, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो थी वो एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, ये चित्रक्ष कैसे किया है? जी सर ऐसे ही किया। हाँ तो इसमें एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा है 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, एच सी बाय नया लैम्डा फोटोन का हो गया अब 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 2 आ जाएगा, प्लस एच सी बाय इलेक्ट्रॉन का लैम्डा, लैम्डा ई लिख दो शब्द, एच सी सब कैंसिल हो जाएंगे, इससे आंसर आ जाएगा, निकालोगे कि नहीं है? निकल जाएगा कि नहीं इससे? यस सर। तो ये इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट ये कर लो क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है, फोर्थ क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड राउंड द न्यूक्लियस, और इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे ये, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इन टू रिडबर्ग एंड यूनिट ऑफ एनर्जी। हाँ हो गया क्वेश्चन, यस सर। और किसी से हुआ है?
देखो आंसर, ये रिपीट जरूर करना क्वेश्चन सारे। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, तो टू वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.188 इंटू 10^6 जेड बाय एन, जेड की वैल्यू 1 और थर्ड ऑर्बिट है तो 3 मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। यही किया ना चित्राक्ष? ये सर इसी के हाँ। और उसके ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड राउंड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं पर सेकंड, तो म्यू क्या होगा, 1/T, 1/T होगा, और टी क्या होगा, 2πr/v। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, 2πr/v। ये किया चित्राक्ष इसमें फ्रीक्वेंसी के लिए, ये सर तो वी तुमने निकाल लिया ऊपर, बस आर चाहिए, 2.106 जेड बाय एन 3 था, आर की वैल्यू 0.529 एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाय जेड की वैल्यू 1। ये किया चित्राक्ष पूरा यस सर सही है। अब लास्ट ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे किया चित्राक्ष बता, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट टू रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी। सही वाला भी नहीं किया। नहीं किया? चलो जल्दी से कराएगा, चलो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करेंगे इसको। बहुत सिंपल तरीके से करना, म्यू बार क्या होता है, 1/λ इज टू आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। 1/λ है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एचसी एचसी से मल्टीप्लाई करना है, तो एनर्जी जो होगी, क्योंकि एचसी बाय लैम्डा क्या होता है, एनर्जी होती है एचसी से इधर, एचसी से इधर, तो आर को अगर एचसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी की यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आर को अगर एचसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, सही ना? तो यही दिखाना तुम्हें यहाँ पे, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10^-34, सी 3 इंटू 10^8, आर 1096 77 है सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में है। अगर उसको मीटर इनवर्स में करना है तो बाय 100 कर देंगे, वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन सेंटीमीटर इनवर्स है, पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना है तो बाय 100 बाय 10^-2 करेंगे यानी इंटू 10^2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे अगर इसको जूल पर एटम में तो कितना आ जाएगा, 21.8 इंटू 10^-19। 21.8 इंटू 10^-19 जूल पर एटम, वही सेम वैल्यू आ जाएंगी, ये जूल पर एटम में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 1.6 इंटू 10^-19 से डिवाइड कर देंगे, वही थर्टीन आएगा पॉइंट थर्टीन सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन और 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जो होता है ना, वही सेम चीज आ जाएगी। तो रिडबर्ग को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, 1 रिडबर्ग इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1 रिडबर्ग इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10^-19 जूल पर एटम। समझ गए कि नहीं? रिडबर्ग एनर्जी ही है, ध्यान रखना चीज का, 1 रिडबर्ग की वैल्यू पता होनी चाहिए तुम्हें। ये पांच क्वेश्चन हो गए ना अभी, ये पांचों रिपीट कर लेना, और कल असाइनमेंट सबको लेके आनी जरूर, असाइनमेंट से क्वेश्चंस होंगे कुछ, सही ना? असाइनमेंट जरूर लेके आना, इजी वाले असाइनमेंट, उससे क्वेश्चंस होंगे। जहां तक कर लेना रिपीट कर लेना। अमन बोल, कुछ बोलना है तेरे को? सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। रिडबर्ग, रिडबर्ग फॉर्मूला बोल क्या होता है, मौन एक पढ़ेगा नहीं वहां रह के फिर फायदा नहीं कोई भी। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या था, म्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अमन मेरे को चैप्टर याद करके ना, कंप्लीट चैप्टर याद करके संडे तक सुनाना तेरे को, संडे को मेरे को नाइट में सुनाइए जरूर। म्यू बार क्या है, 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब 1/λ अगर एनर्जी में करो, एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, तो इसको hc से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको hc से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी hc से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया एनर्जी, तो इससे hcr क्या होगा, एनर्जी होगा। और hcr जब मल्टीप्लाई करेंगे हम वैल्यूज पुट करके तो ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सही है मन? यस सर
अमन संडे तक सुनाना चैप्टर, क्लियर है? पूरा चैप्टर लेक्चर देखो मैंने दिए ओके हुए हैं ठीक सारे, पीडीएफ भेजना ग्रुप में उससे पहले, और ढंग से 4 या 5 बार रिपीट करके ढंग से एनसीईआरटी क्वेश्चन करके सुनाना है फिर, सही है? यस सर चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, कल पढ़ के आना पूरा ढंग से, असाइनमेंट जरूर लेके आनी है।